हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल और मैं आप लोग का दोस्त और चैनल का होस्ट फ्रांतो। दोस्तों, अगर आप लोग पबजी मोबाइल इंडिया का यार बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि वो कब लॉन्च होगा, तो यार आज का वीडियो देखने के बाद में जो है ना आपका दिमाग आउट हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही ज्यादा उदास आप हो जाने वाले हो, क्योंकि आज मैं आपको जो बातें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल इंडिया को लेकर के, यार उसको सुन करके आप लोग जो है ना बहुत ही ज्यादा उदास हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि न्यूज यार कुछ ऐसी है। ठीक है, तो क्या है ऐसी न्यूज और क्या है PUBG Mobile इंडिया का रिलीज डेट को लेकर के, अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, वो सारा कुछ आपको आगे पता चलेगा। तो ध्यान से देखते रहो, एक घंटे तक के आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से आप लोग कर दो लाइक, और चैनल के ऊपर अगर आप लोग नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सारे गेमिंग के वीडियोस आपके लिए लेकर के मैं आते रहता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों देखो, एक बात तो जो है ना आप लोग अपने माइंड के अंदर आज बिठा लो अच्छी तरीके से। देखो, आज के बाद में अगर आप लोग किसी भी यूट्यूबर के थ्रू ये बात सुनते हो कि यार PUBG मोबाइल को जो है वो गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है, और जो है वो PUBG मोबाइल इंडिया अब बस कुछ ही दिनों के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ट्रेलर आ गया है, टीजर आ गया है, ये आ गया वो आ गया, ये बातों के ऊपर जो है ना आप लोग आज के बाद में बिल्कुल भी बिलीव मत करना दोस्तों। फिर चाहे वो कितना ही बड़ा जो है वो यूट्यूबर होने दो दोस्तों, उसके 10 मिलियन 15 मिलियन कितने भी सब्सक्राइबर होने दो, और वो कोई भी होने दो दोस्तों, चाहे वो डायनामो गेमिंग होने दो या किसी की भी, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जो PUBG मोबाइल के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते, उनकी बातों के ऊपर देखो अब आप लोग आज के बाद में बिल्कुल भी बिलीव करना मत दोस्तों, खासकर रिलीज डेट को लेकर के। बाकी गेम प्ले वगैरह वो सारी जो अदर चीज़ है वो तो चलती है, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन रिलीज डेट को लेकर के अब आप लोग एक भी बात जो है वो उनकी बातों के ऊपर बिलीव मत करना गाइस। ऐसा मैं इस पर से बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा हुआ है। देखो, PUBG Mobile इंडिया जो है ना अभी आपको मिलने वाला नहीं है दोस्तों। मैंने भी जो है वो इनकी बातों के अंदर आकर के अपने चैनल के ऊपर वीडियो बना दिया था, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोग साइट के अंदर दिखा रहा हूँ। इसमें आपको बोला था कि PUBG को जो है वो परमिशन दे दिया है गवर्नमेंट ने, और आपको बस 2 महीनों के अंदर गेम मिलने वाला है, जबकि ये जो दोस्तों है बातें पूरी तरीके से फेक है। ये मैं खुद आपको इस वीडियो के अंदर बोल करके बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये मत समझो कि यार मैंने भी जो है वैसा बोला था तो यार अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा, तो इसी पर से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सोर्सेस निकल करके आए थे दोस्तों 5 अप्रैल 2021 को, उसमें क्या बताया गया था कि जो ये PUBG Mobile इंडिया है ना, इसको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, और 2 ऐसे बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बोला था कि PUBG Mobile अब आपको 2 महीनों के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उन यूट्यूबर्स का भी नाम आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ। पहले यूट्यूबर का नाम है यहाँ पे गॉड निक्जॉन, ठीक है। दूसरा जो यूट्यूबर है दोस्तों, उनका नाम है TSM घाटक। तो ये जो 2 यूट्यूबर है दोस्तों, इन्होंने दावा किया था कि यार PUBG को जो है वो परमिशन मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको 2 महीनों के अंदर अब लगातार गुड न्यूज मिलते रहेगी, और यहाँ पे जो आपको PUBG Mobile इंडिया भी प्ले स्टोर के ऊपर देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगा। ये जो है वो सोर्सेस के अंदर, और यहाँ पे जो है वो इन 2 यूट्यूबर्स की तरफ से ये बातें निकल करके आई थी दोस्तों 5 अप्रैल 2021 को, और इसी को लेकर के यहाँ पे बवाल मच गया। सारी वेबसाइटों ने जो है वो अपने पोस्ट के ऊपर यही सारा कुछ डाल दिया कि अब PUBG को परमिशन मिल चुकी है। इवन जो क्राफ्टन डेवलपर की बात भी मैंने आप लोग को वीडियो के अंदर बताई थी दोस्तों, वो भी पूरी तरीके से फेक निकल चुकी है। क्राफ्टर ने और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया दोस्तों PUBG Mobile इंडिया को लेकर के। जो स्क्रीनशॉट आपको दिखाया जा रहा था न्यूज़ के अंदर, के क्राफ्टन के चेयरमैन ने भी जो है अब यहाँ पे बोल दिया कि परमिशन मिल चुकी है, वो पूरी तरीके से फेक था दोस्तों, बिल्कुल फेक था वो, जरा सी भी उसके अंदर सच्चाई नहीं है दोस्तों। अब जो रियल न्यूज चल रही है यहाँ पे वो मैं आप लोग को बताता हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट अब मैं आप लोग को साइट के अंदर दिखा रहा हूँ। इसमें आप लोग साफ साफ पढ़ो, यहाँ पे ये है इनसाइड स्पोर्ट्स की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, और इनसाइड स्पोर्ट्स वालों ने ही पहले जो है 5 अप्रैल को ये बोल करके बताया था कि यहाँ पे जो हमने परमिशन दे दिया है PUBG को, और यहाँ पे 2 यूट्यूबर्स ने बोला हुआ है इस तरीके से कि 2 महीनों के बाद में आपको गेम मिल जाएगा। और अब इनसाइड स्पोर्ट्स कल के दिन बोलता है अपने पोस्ट के अंदर, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों को साइट के अंदर दिखाया, कि क्राफ्टन ने और गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे दिया नहीं है दोस्तों। तो इस वजह से यार अब जो है ना आप लोग ये फालतू के न्यूज़ के ऊपर विश्वास करना बिल्कुल तरीके से छोड़ दो। ये PUBG Mobile इंडिया का सिर्फ और सिर्फ धंधा चल रहा है यहाँ पे, कि अब आएगा तब आएगा, ऐसा हो चुका है वैसा हो चुका है, ये बिल्कुल तरीके से मतलब यहाँ पे जो है ना सारे लोगों को गुमराह करने के लिए जो ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से, और बस खुद का जो है वो फायदा देखते हैं ये लोग, और बाकी पब्लिक को जो है वो
फेक न्यूज बता करके यार ये लोग ऐसा काम करते हैं यहाँ पे। तो इस पर से बहुत ज्यादा बड़ा धोखा हुआ है दोस्तों अपने सबके साथ में यहाँ पे। और अभी पबजी मोबाइल इंडिया आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है आने वाले 2 महीनों के अंदर भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई परमिशन यहाँ पे दिया नहीं है अभी तक के पबजी को, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। और इवन क्राफ्टन के जो चेयरमैन है उन्होंने भी कोई यहाँ पे जो है स्टेटमेंट नहीं दिया है दोस्तों कि इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल इंडिया और पबजी न्यू स्टेट को वो लोग कब लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में अपने बिठा लो। ये वीडियो के अंदर सारा क्लेरिफिकेशन मैंने जो आपको बता दिया अच्छी तरीके से। अभी इस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक के यहाँ तक के देख लिया है तो मेरे को मालूम है आप लोग बहुत ज़्यादा उदास हो चुके होंगे, गुस्सा भी आप लोग को बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन गुस्सा करके कोई मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो न्यूज़ चल रही है यहाँ पे सारी की सारी फेक थी। और अभी जो नई न्यूज़ निकल करके आई है कल के दिन, जो सारा क्लेरिफिकेशन हो चुका है वेबसाइट्स के ऊपर और सोर्सेज के अंदर, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोग को यार वीडियो तो अच्छा लगा होगा। जो न्यूज़ मैंने आपको बताया वो तो बहुत ज़्यादा बुरी थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वीडियो को आप लोग कर देना लाइक। और चैनल के ऊपर नए हो यार तो आप लोग अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए और शेयर कीजिए आपके थॉट्स भी कमेंट बॉक्स के अंदर, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि अगर वो लोग खुश होकर के बैठे हुए तो उनको पता चलना चाहिए एटलीस्ट लेटेस्ट न्यूज़ क्या है पबजी मोबाइल इंडिया की। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बस मैं खत्म करता हूँ इस वीडियो को, आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।